चैंपियंस लीग ने डिलीवर कब नहीं करा है भाई कोई मुझे बताएगा कमेंट सेक्शन में बिकॉज इतने पावर पैक्ड क्वार्टर फाइनल्स के बाद जिस तरीके से सेमीफाइनल्स ने डिलीवर कराया ना दैट इज एब्सोल्युटली क्रेजी सब ये कह रहे थे कि यार पीएच डॉटमेंट वाले मैच में बिल्कुल भी हाइप नहीं है PSG वाला डॉटमेंट वाला जो मैच है उसमें कोई ग्रेट मोमेंट्स नहीं होंगे कुछ ऐसा एक्शन पैक्ड यू नो कुछ अफेयर देखने को नहीं मिलेगा के जी अफेयर कुछ देखने को नहीं मिलेगा ऐसा लोग कह रहे थे सब कह रहे थे कि यार आज मैं अपनी रात की पूरी नींद पूरी कर लू ये सब पर नहीं यार सैंको ने जिस तरीके से इलेक्ट्रीफाई है ना इस मैच को दैट दैट इज इज क्रेजी क्रेजी भाई मैं मस्ती भी नहीं कर रहा सैंचो ने 11 से लेकर टेक टेकऑन कंप्लीट कर एंड दिस इज लिटरली थ्री टाइम्स मोर द टेक ही हैज डन इन एन एवरेज मैनचेस्टर यूनाइटेड मैच मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सी पहने हुए जेडन सैचो ने सिर्फ चार टेकऑन मैक्स टू मैक्स कंप्लीट करे हैं वहीं पर आज में चैंपियंस लीग सेमीफाइनल में बुरुश डॉटमेंट के साथ सिग्नल इद्यूना पार्क में

डॉटमेंट ने जिस तरीके से लॉन्ग बॉल पे ऑपरेट करा ना दैट वाज क्रेजी ठीक है मैं मजाक भी नहीं कर रहा यहां पर आप देख रहे हो अगर आपने गोल का भी बिल्डअप देखा होगा ना जो फुल ग्रुप ने स्कोर करा वहां पर सैंको आ गए थे सेंटर में ही वॉज ड्रिफ्टिंग इन साइड एंड बैकपास करा टू तो निको श्लोतर बैग श्रोतर बैग ने अपनी एक ड्रिबल कंप्लीट करी अगेंस्ट अगेंस्टम बापे एंड ही प्लेट द लॉन्ग बॉल टू फुल थ्रोग वहां पर पी ने अपनी हाईलाइन कर ली चारों की चारों डिफेंडरों ने अपनी हाईलाइन प्ले कर ली एंड वहां पर फुल क्रूक गॉट दी अपॉर्चुनिटी उन्होंने एक बहुत ही बढ़िया इन बिहाइंड मारा एंड वहां से गोल आ गया एक सिंपल सिल्की टच

फुलक्रो को वहां पर उसने बॉटल करा लिटरली सिटर्स थे फुलक्रो के लिए लेकिन ही जस्ट कुड नॉट डिलीवर बट टैक्टिकली स्पीकिंग मैं आई एम वेरी वेरी इंप्रेस विद एडेंटर जिस तरीके से उन्होंने इस गेम को प्रेडिक्ट करा ना लिटरली वैसा ही हुआ श्लोतर बैक एंड यू नो आपके हमल्स दे आर गुड वेन इट कम्स टू बॉल प्लेंग स्पेशली श्लोतर बैक श्लोतर बैक की बॉल प्लेइंग एबिलिटी को ना बहुत अंडर किया जाता है भाई एंड सब इस बात पे बात करते हैं यार कि एथलेटिको मेड वाले मैच में कैसे हागा था उसने बट इस मैच में जिस तरीके से काया पलट करके उसने परफॉर्म करा ना इट इज वेरी वेरी गुड अगर मैं और प्लेयर्स की बात करूँ तो उनके राइट बैक जो है ब्रायर्सन रॉयर्सन क्या नाम है मुझे ध्यान नहीं आ रहा है इस समय ही ऑल्सो हैड अ वेरी गुड फर्स्ट हाफ फर्स्ट हाफ में बहुत ही इंपैक्टफुल लग रहे थे डॉटमिन के राइट बैक रायर्स ब्रायर्सन जो भी इनका नाम एम सॉरी एम नॉट गुड विद नेम्स

Because यहां पर सिट बैक भाई। एक गोल का एडवांटेज है कोई फर्क नहीं पड़ता आप सिट बैक करो आप डिफेंड करो आप ड्रॉप डीप करो और आप बस अंदर डिफेंड करो ठीक है उस मैच में आप मुको को जैसे हार्ड वर्किंग प्लेयर्स को उतारो करी मीडिया को मत खिलाओ जिसमें मैं आऊंगा इन दीडियो यहाँ पर मुझे मिडफील्ड की भी बात करनी पड़ेगी भाई जिस तरीके से यू नो डॉटमेंट ने अपनी मिडफील्ड को अलाइन करा यहां पर मैं बात कर रहा करूं और एमरे चा वॉज लिटरली डूइंग हिज बॉल विनिंग डूंगी वेरी वेल ठीक है यहां पर मेरे को की बात करनी पड़ेगी साथ ही साथ मार्शल सेबिटसर जिस तरीके से वो आगे कंबाइन कर रहा था ना विद जूलियन ब्रांड एंड जेडेड सैचो दैट वॉज ऑल्सो वेरी गुड उसके वजह से पी के प्लेयर्स बहुत ज्यादा ऑक्यूपाइड थे विद विदिट्सर उसकी वजह से एट टाइम्स ऐसे मौके पड़ रहे थे जहां पर जूलियन ब्रांड को फ्रीडम मिल रही थी टू ऑपरेट इन दर सेंटर भाई एंड वहीं पर मैं

अब यहां पर मैंने बात कर ली पीएची वैसे डॉटमेंट वाले मैच के बारे में दो तीन प्लेयर्स और जिनके बारे में बात करते हैं उस्मान टेम्पल वॉज लिटरली वेस्टफुल

वन गोल इन सो मनी नॉक आउट राउंड इज पुअर बाई इट इज जनवरी पुअर एंड कंसर्निंग एम्बापे को डिलीवर करना पड़ेगा एम्बापे को परफॉर्म करना पड़ेगा अब यह तो मैंने बात कर ली अब पी एच जी आई फील की एम्बापे को लेफ्ट विंग पे खिलाना चाहिए एंड गोनकालो राम कोलानी को सेंटर पे खिलाना चाहिए बिकॉज आई फील के अगर एम्बापे विंग पे खेल रहा होता ना आई थिंक स्लाइटली बेटर बट अब बात करते हैं बायन वर्सेज रिया मड्रिड के बारे में क्या टूखल ने कुक किया रिया मड्रिड को क्या टूखल की टैक्टिक्स ने मास्टर क्लास पुट अप करा क्या ऐसा हुआ कि मड्रिड लिटरली पीछे रह गई गेम में अगेंस्ट बाइंड सब मुझसे ये क्वेश्चन पूछ रहे थे मैं इसका बहुत ही सिंपल आंसर दे देता हूं आई एम नॉट अ वेरी वेरी प्राउड रिया मड्रिड फैन एट द वेरी मोमेंट ऑफकोर्स नॉट बट आपको समझना पड़ेगा एंटीलोटी की टैक्टिक्स एट आलियन जरेना आप नहीं खेल सकते हाईलाइन आप नहीं खेल सकते आप प्रेस नहीं कर सकते बाइन को एट जरेना बिकॉज कितना हॉस्टल बनता है उस ग्राउंड में हम सब ने देखा एट द चैंपियंस लीग सेमीफाइनल ठीक है तो यहां पर अगर आपने ड्रॉपर डीप खेला ना तो आपने थोड़ा सा अपना चाणक्य रणनीति अपनाई है यहाँ पे ठीक है आपने कूटनीति अपनाई है पे ठीक है तो अगर मडरिट ने थोड़ा सा डीपर भी खेला ना तो कुछ गलत नहीं किया वहां पे मडरिट ने इनफैक्ट मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं सही करा वेन इट कम्स टू प्लेइंग डीपर वेन इट कम्स टू नॉट

ट्स टू प्लेयर्स टुवर्ड्स टू डिफरेंट डिफरेंट प्लेयर्स यहाँ पर हरीकेन यहाँ पर थॉमस मुलर थॉमस मुलर को वो बेट वो स्पेस वेस एक्सप्लोइर वाला रोल निभा रहा था वो लिटरी अगेंट रियादो नॉट एट इट इज बेस्ट बट हाँ अच्छा परफॉर्मेंस तो उसने भी दिया था उसके अलावा हैरीकेन को कंटेन करने के लिए छुआ मिन को सक्षम रहना पड़ेगा भाई बिकॉज जिस तरीके से वो डीपर आता है पोजिशन से बाहर हो जाता है वी के नॉट हैव कम आउट ऑफ द सेंटर बैक पोजिशन बिकॉज वहीं पर एक्सप्लोयर करने के लिए आने सर्ज नैबरी जमाल मुसियाला रेडी बैठेंगे तो दोस्तों यही था आज का वीडियो वीडियो तो अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड विद दिस हला मदरीद ईना नमाज हसल फिलाल मुस्कियल